देश के बाहर जाकर नाम रोशन करने वाले किरमिटिया मजदूरों के परिवार आए दिन वतन आने की छटपटाहट खुद के अंदर महसूस करते रहते हैं, और उन्हीं में से एक है यह परिवार जिसने न केवल इंडिया में अपनी जड़ की तलाश की बल्कि शाखाओं, पत्तों सबको खोज निकाला। जहां चाह वहां राह की मिसाल बनाते हुए इन परदेशियों के कदमों से आज यह पूरा भवन खिलखिला उठा है। कहानी रोचक जरूर है लेकिन बड़ी ही भावनात्मक। 127 साल बाद हुए इस पुनर्मिलन ने सबकी आंखें खुशी से नम कर दी। तो चलिए आपको सुनाते हैं इस पुनर्मिलन की महाकहानी। कहते हैं सागर के किनारे पर एक बार लहरें जब आती हैं तो वह भी वापस लौट जाया करती हैं, पर अफसोस कि आज भी हमारी माटी से दूसरी धरती पर गए तमाम लोग कभी वापस नहीं लौटे। इनमें से वेस्ट इंडीज ऐसे ही देशों का समूह है जहां पर अंग्रेजों ने गन्ना खेती के लिए पूर्वांचल के कई युवकों को यहाँ से उठाकर ले गए थे जो कभी वापस वतन न लौट सके। मजदूर के साथ साथ हुए मजबूर भी बहुत थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे पोतों को हर रात सोते वक्त अपने वतन, अपने गांव, अपने परिवार की कहानियां सुना सुना कर बड़ा किया। ये कहानी राम बहल व रामानंद तिवारी की है जो 1890 में कंधरापुर के चिवता गांव से गिरमिटिया मजदूर के रूप में त्रिनिदाद टोबैगो ले जाए गए थे, लेकिन वे वापस नहीं लौट सके और न ही अपने परिवार की खोज खबर ही ले सके। समय के साथ साथ यहां के लोग भी भूल गए, लेकिन रामानंद की चौथी पीढ़ी तक हर रात अपनी जड़ की कहानी सुनाई जाती रही। चौथी पीढ़ी की सावित्री उर्फ लिंडा महाराज व उनके पति शर्मा महाराज आज चिवता गांव में हैं। त्रिनिदाद में वह प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद से ही अपनी जड़ को तलाशने में जुट गई थीं। अपनी बहन विमला की मदद से ब्रिटेन से उन्होंने एक एक दस्तावेज ढूंढ निकाले, एक एक पत्रावलियों के साथ एक एक परिजन उन्हें मिलते चले गए। फिर क्या था, उन्होंने फेसबुक के जरिए एक एक परिजनों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी शुरू की। एक्चुअली लगभग एक से डेढ़ साल पहले मेरे पास जो है बिमला रामसूर करके एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, तो मैंने सोचा कि किसी का होगा, मैं इग्नोर किया वन टाइम, टू टाइम, बट थ्री टाइम, थर्ड टाइम मैंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद मुझे मैसेज मिला कि आई एम इन योर एसेंटियर फैमिली मेम्बर्स। गंगा प्रसाद जी से फिर बात हुई, उन्होंने बताया हाँ ऐसे हैं, इस तरह से हमारा पूरा का पूरा इस तरह से। फिर गंगा प्रसाद जी ने बताया कि गंगा प्रसाद बाबा हमारे यहाँ पे, उन्होंने बताया कि ये पूरा का पूरा जो है एक परिवार था, जो कि एक भाई वहाँ चले गए, एक भाई यहाँ चले गए, जिसके कारण से एक भाई वहाँ चले गए और एक यहाँ रह गए, कि वहाँ से वहाँ की फैमिली हो गई और यहाँ की यहाँ फैमिली हो गई। उस फैमिली में धीरे धीरे ग्रोथ होता गया, फैमिली बढ़ती गई, या चार परिवार हम यहाँ हो गए हैं, लगभग 42 लोग वहाँ हो गए हैं। इसके बाद की कहानी में भी ट्विस्ट रहा।
परिजनों से संपर्क के बाद लिंडा महाराज उर्फ सावित्री की बेचैनी और भी बढ़ गई। आजमगढ़ के संदर्भ में फैलाई गई नकारात्मक बातों ने उनके पैरों में जंजीर डाल दी। वह तड़प कर रह गईं। उनकी तड़प से पति बच्चे सभी परेशान हो गए। संजोग से डूबती उम्मीदों को तिनके का सहारा मिला। एक माह पहले आजमगढ़ निवासी वरिष्ठ पत्रकार पवन उपाध्याय प्रवासी सम्मेलन में शिरकत करने के लिए त्रिनाड गए थे, जहां पर शर्मा महाराज के परिवार से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि शर्मा परिवार में आजमगढ़ से अपने रिश्तों का जिक्र किया, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर अपना डर जाहिर किया। वरिष्ठ पत्रकार पवन उपाध्याय ने उनकी एक एक शंका को दूर किया और उन्हें जनपद आने के लिए आश्वस्त किया। ट्रिनिडाड और टोबैगो में इंडियन डायस्पोरा वर्ल्ड कन्वेंशन था, एबोलिशन ऑफ इंडियन चर्च पे था, जिसमें मैं यूपी से था। पूरे भारत से 4 लोग गए थे, जिसमें मैं यूपी रिप्रेजेंट कर रहा था। यूपी से 50% से ज़्यादा लोग वहाँ पर निवास करते हैं। तो ये जैसे ही इनको पता चला कि मैं आजमगढ़ से हूँ, तो ये हमसे मिले। इनका ये कहना था कि इनको किसी ने बताया कि आजमगढ़ में अराजकता बहुत है। हमने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सुरक्षित जगह है, आप आइए। तो मेरे कहने के बाद इन्होंने यहाँ का ट्रिप बनाया और यहाँ आए हैं अपने परिवार के बीच में। नहीं, ये लोग तो खुश, बहुत भावनात्मक पल है ये, और खुशी का इनके कोई ठिकाना नहीं है। और फिर कटा रिटर्न जर्नी का वह टिकट ट्रिनिडाड टोबैको से बाबतपुर एयरपोर्ट तक का। लिंडा अपने पति शर्मा महाराज व कार्डियोलॉजिस्ट बिटिया डॉक्टर अरुणा महाराज के साथ पहुंच गई कंदरापुर के चेवता गांव, अपनी जड़ अपने खानदान के पास। रिटायर्ड प्रोफेसर लिंडा महाराज को हिंदी एकदम नहीं आती, लेकिन अपने हिंदी भाषी परिजनों से कोई दूरी उनकी नहीं दिखी। भाव के बीच बाधा तो बहुत आई, लेकिन भाषा नहीं। अपना सा रंग रूप, अपनी सी चाल ढाल, पहले से ही अपना अब और अपना सा दिखने लगा। साड़ी पहनकर आई सावित्री के रूप में लिंडा ने आते ही सबके दिल में जगह बना ली, और जैसे ही बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए वह झुकी, सबकी आंखें नम हो गईं। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उनका सपरिवार भव्य स्वागत किया गया। कहना ना होगा कि त्रिनिडाड में रहने वाली रिटायर्ड प्रोफेसर ने इंग्लैंड से लेकर भारत तक अपनी जड़ को खोजने में दिन रात एक कर दिया, तब कहीं जाकर उन्हें यह दिन
नसीब हुआ। Well, I heard stories about the village of Chiunta in Azamgarh from my Parnana and my Par Aja, sorry, and my Aja. And I always wanted to see this village and to see where they came from. After they did a lot of research in Trinidad from all the ship records and all of that, we found the village and we found one of the relatives in the village, Ashwini, whom we contacted by phone. And from that finding, we expanded into all the family in the village. I decided to come and see it in real, what the village is, where they came from, and make all those stories I heard real. I really appreciate coming. I see so many similarities in people, in their attitude, their religious attitude, the social interactions that take place. And the most important thing was the 500-year-old murti that is in this house that my ancestors worshipped. They still have it here. I appreciate that immensely. I think I am very lucky to have this opportunity to come. My Par Aja tried to come back to India and he couldn't reach. He tried, he cried day and night to come back to India and he couldn't come. I am so happy that I came and I hope his soul rests in peace.